बिहार विधान परिषद के नवनिर्वाचित सदस्यों को आज शपथ दिलाई गई। विधान परिषद सभागार में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत अन्य मंत्री विधायक भी मौजूद थे। विधान परिषद की तरफ से शपथ ग्रहण समारोह में नीरज कुमार, देवेश चंद्र ठाकुर, सर्वेश कुमार, डॉक्टर एन के यादव, प्रोफेसर नवल किशोर यादव, प्रोफेसर संजय कुमार सिंह, केदारनाथ पांडे, डॉक्टर मदन मोहन झा शामिल थे। बता दें कि हाल में बिहार विधानसभा चुनाव भी संपन्न हुए हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य की नई सरकार के गठन के बाद अब 17वीं विधानसभा के गठन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। नई विधानसभा का पहला सत्र 23 नवंबर से शुरू होने जा रहा है, जो कि 27 नवंबर तक चलेगा। नव निर्वाचित विधायकों के स्वागत के लिए विधानसभा को तैयार किया जा रहा है। कोरोना के खतरे को देखते हुए सत्र का आयोजन सेंट्रल हॉल में किया जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से विधानसभा और विधान परिषद के पूरे परिसर को सैनिटाइज किया गया है। शुरू के दो दिन यानी 23 और 24 नवंबर को प्रोटेम स्पीकर नए विधायकों को शपथ दिलाएंगे। उसके बाद 25 नवंबर को नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। इस बार भाजपा के वरिष्ठ नेता नंदकिशोर यादव को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिलना तय माना जा रहा है।